हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंकी कैसे। आज मैं पनीर भुर्जी बनाने जा रही हूँ। इसकी बहुत टेस्टी है, बहुत इजी रेसिपी है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइकन बटन दबाना ना भूले, इससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से चले जाएंगे। चलिए मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्च सबको चॉप्ड कर ली हूँ। यहाँ पर सरसों तेल गर्म करिए, इसमें जीरा तेज़पात का फ़ौरन लगा लूँगी, हरी मिर्च और इसमें प्याज डाल दूँगी। इसको ज़्यादा भूनना नहीं होता, बहुत जल्दी बनने वाला रेसिपी है। यहाँ पर मैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूँगी। यहाँ थोड़ा खड़ा मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लवंग ले लेंगे। अच्छे से उसको भून लेंगे सबको। अब यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का घिसा हुआ ही ले लेंगे और टमाटर ले लेंगे। अभी इसको भून, टमाटर को पूरा गलने देंगे अच्छे से भून के। और मसाले ज़्यादा इसमें नहीं लेना है, बस हाफ स्पून हल्दी और हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है। और इसमें ये घिसा हुआ मेरा जो पनीर है, 250 ग्राम मेरा पनीर है ये, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना, थोड़ा सा गरम मसाला बस, इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है, धनिया वगैरह जैसे होता है। आप चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। इसको अच्छे से पकने के लिए, मतलब ग्रेवी क्या, इसको पकने के लिए मैं थोड़ा पानी डाली हूँ। ये अच्छे से इससे पक जाएगा। देखिए मेरा पक चुका है ये। और अब धनिया पत्ता इसमें डाल सकते हैं, बट मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब ज़रूर करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।